देश भर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। राजधानी शिमला में भी विधानसभा में राष्ट्रपति के पद के लिए मतदान हुआ, जहां पर कांग्रेस और भाजपा के विधायकों ने अपना वोट दिया है। वहीं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव ईवीएम से न करवाकर बैलेट पेपर से करवाने कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब राष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर पर हो सकते हैं तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ईवीएम मशीन से करवाए जा रहे हैं। चुनाव होंगे विधानसभा के और पार्लियामेंट के, वो जो है वो बैलेट के माध्यम से होने चाहिए। दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि यशवंत जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से आए थे और उनको विपक्ष ने अपना जो है कैंडिडेट दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देर इज एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी जड़ें जो है भारतीय जनता पार्टी में भी अपने ढंग की जड़ें थी, तो आज जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग होके भारतीय जनता पार्टी से उनके हक में जाएगी। यहाँ से भी तो क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है सर, यहाँ से भी क्या विश्वास नहीं है भाजपा की तरफ? अब एक आदमी बोलेगा तो मैं बैलेट पेपर की बात की, ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं है? नहीं बोला नहीं मैंने, तो अगर ईवीएम में विश्वास नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं करा दिया उन्होंने? नहीं आप तकनीक के खिलाफ बोल रहे हैं ना, ईवीएम की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? आपके अकाउंट के पैसे जो है ना बाहर के देशों में एक सेकंड में निकल रहे हैं। इंसान की बनाई हुई चीजें हैं ये, और इसमें लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा एवरीथिंग इज पॉसिबल, और अगर मान लो देखा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मान लो बैलेट पेपर से हुए हैं तो मांग हमारी ये है कि एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट है, तो उनको विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव